सो हेलो एवरीवन, जिस वीडियो का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था और मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही था कि आखिर हम रॉयल एनफील्ड की 650 कैटेगरी की अगर कोई बाइक लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी बाइक लें। तो आज हमारे पास काफी सारी बाइक्स हैं 650 के अंदर। फर्स्ट है हमारी कॉन्टिनेंटल GT, बहुत ही बढ़िया बाइक है, और सेकेंड है शॉटगन 650 जो कि क्लासिक जैसा कुछ लुक देती है मिला जुला, और तीसरी है अपने पास और ये है सुपर मीटियोर 650। तो तीनों ही बाइकें अपने अपनी कैटेगरी के अंदर बेस्ट हैं, बहुत अच्छी बाइक्स हैं। जो एक्सपीरियंस है मेरे पास पिछले 1.5 साल का वो है सुपर मीटियोर 650 का, क्योंकि मैं इसे 1.5 साल से लगभग ऑन कर रहा हूं। और कॉन्टिनेंटल GT जो है वो सौरभ चलाते हैं, तो सौरभ भी काफ़ी अच्छा बताते हैं इस बाइक को। बट अब ये 650 बाइक लेने के लिए ना कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हो जाती है बिकॉज 650 में काफ़ी सारी कैटेगरी अब रॉयल इनफील्ड हमें देता है। इसके अलावा एक और बाइक आती है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल। तो अब मेज़र फ़र्क ये है इन तीनों बाइक में, इन तीनों बाइक का इंजन जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पे बना है, सेम CC वगैरह, टॉर्क वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। बाकी जो इनके अंदर डिफरेंस है ना वो है इनके ग्राउंड क्लियरेंस में, इनके टायर साइज़ में, इनके टैंक साइज़ में, और सबसे बड़ी बात है इनकी राइडिंग पोस्चर में। बिकॉज जैसे कि कॉन्टिनेंटल GT जो बाइक है तो इसका जो पोस्चर है ना कुछ रेसिंग बाइक टाइप का है, बिकॉज इसमें जो इसके फुट पैक्स हैं अगर आप देखेंगे तो इसके फुट पैक्स ना यहाँ पर पीछे लगे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पोस्चर है ना इस टाइप से रहता है। एंड इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लिप ऑन इसके हैंडल बार है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका लुक जो है वो काफ़ी पोस्चर जो है ना इसका स्पोर्ट्स बाइक टाइप का हो जाता है। तो जिन लोगों को इस टाइप की स्पोर्ट्स बाइक वगैरह चलानी पसंद है ना और वो 650 cc इंजन के साथ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो उन लोगों के लिए ये बाइक अच्छी है। हालांकि इस बाइक के साथ एक प्रॉब्लम जो मेजर लोगों को आती है जो बोलते हैं वो यही है कि इसके साथ लॉन्ग राइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट क्योंकि मेरे साथ तो सौरभ गए थे इसको लेके नेपाल, तो सौरभ ने तो ऐसी कोई कंप्लेंट की नहीं कि भैया इतना ज़्यादा मुझे हाथों पे कुछ जोर पड़ रहा है या मेरी बैक पेन कर रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनको आया नहीं था। अब जो सेकेंड बाइक है अपने पास वो है अपनी शॉटगन 650। ये भी अच्छी बाइक है, सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है जिसमें हमारी सुपर मीटियोर 650 है, सेम इंजन कर्व वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है। बस इसमें क्या है कि इसमें आपको बैठने के बाद ना, जैसे कि आप रॉयल इनफील्ड की 350 बाइक वगैरह चलाते हैं ना क्लासिक वगैरह इस टाइप की स्टैंडर्ड बाइक, तो वैसा कुछ इसका पोस्चर है बैठने का, मतलब हैंडल बार ऐसे एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, और सीट की जो पोजीशन है वो नॉर्मल है, और इसके फुट ट्रैक जो है ना तो बहुत ज़्यादा आगे हैं सुपर मीटियोर की तरह ना बहुत ज़्यादा पीछे, मतलब कंफर्ट पोजीशन में है ये। एक तरह से देखी जाए ना तो ये बाइक कम्प्लीटली ना आप जैसे 650 इंजन के साथ डेली कम्यूट अगर करना चाहते हैं ऑफिस से, घर से, इधर उधर, तो उसके लिए बाइक बहुत अच्छी रहेगी। बिकॉज इसका जो पोस्चर है ना वो बड़ा कम्फर्ट है, एकदम आप सीधे बैठ के ऐसे आराम से इससे निकल सकते हैं, अपना डेली कम्यूट कर सकते हैं, ना ही आपको लीन हो के चलाना है और ना ही आपके जो फुट रैक है ना सुपर मीटियोर की तरह काफ़ी आगे हैं कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो ओवरऑल इसकी भी सीट पोजीशन जो है बहुत बढ़िया है। मैं इस वीडियो के अंदर ना ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर 650 सेगमेंट में हम बाइक कौन सी लें, हमें बाइक लेनी कौन सी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही ये क्रिएट होती है कि 650 में इतने सारे ऑप्शन हैं तो हम कौन सी लें। तो अब तीसरी बात कर लेते हैं अपनी फेवरेट सुपर मीटियोर 650। बहुत ज़बरदस्त बाइक है यार, बहुत ज़बरदस्त बाइक है। अब ये जो बाइक है ना सुपर मीटियोर 650, ये यार ज़बरदस्त बाइक है, ज़बरदस्त पावर है, हालांकि पावर तो तीनों बाइकों में सेम है, बट इसका जो पोस्चर है ना वो टू मच कंफर्टेबल पोस्चर है। बिकॉज इसमें क्या है, ये एक क्रूजिंग मशीन है, इसको लेके अगर ये बाइक चलाने का असली आनंद जो आएगा ना, असली मज़ा जो है वो है क्रूजिंग पे, जब आप लॉन्ग लंबे हाईवेज पे जा रहे हो वहाँ पर। उसका कारण क्या है, एक तो इसका जो हैंडल है ना, हैंडल बार अगर आप देखेंगे तो हैंडल यहाँ से काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है ऐसे, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपके हाथ ऐसे स्ट्रेट रहते हैं, काफ़ी फैले हुए रहते हैं, सेकंड आपका जो पोस्चर है ना, आपकी जो चेस्ट है वो ऐसे एकदम स्ट्रेट रहती है, मतलब भार होती है, और आप ये जो पोजीशन है ये वाली इधर आप देख रहे हैं, इसके फुट रैक्स जो थोड़े हैं आगे क्रूजिंग मशीन के, तो ये जो पोस्चर है ना ये टू मच कंफर्टेबल पोस्चर है लॉन्ग राइड्स के लिए। देखो अगर बात क्रूजिंग की हो ना तो आप उस पर भी क्रूजिंग कर सकते हो, उस पर भी क्रूज कर सकते हो, बट जो पोस्चर है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको एक लॉन्ग राइड पर जाने में।
बिकॉज अगर आप एक लॉन्ग राइड कर रहे हो ना, अगर 1000 से 1500 किलोमीटर की, तो उस पर जो पोस्चर है ना, वही सबसे ज़्यादा मैटर रखता है कि आप कितनी देर में थकोगे और कितना अच्छे से बाइक को चलाओगे। तो ये जो बाइक्स हैं ये भी क्रूजिंग के लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, बट ये जो है ये अल्ट्रा कंफर्ट लेवल है भाई साहब इसका। अब थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस बाइक के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। सो अब डिटेल में बात करते हैं अपनी कॉन्टिनेंटल GT की। हालांकि ये भी बाइक काफ़ी अच्छी है यार, मुझे तो ये पर्सनली ना, अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की कोई बाइक लेना 650cc के अंदर, तो मुझे ये सबसे पहले पर्सनली पसंद है। हालांकि रॉयल इनफील्ड का सर्विस जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को बजाय बाइक के। तो बाइक में देखो, कोई भी बाइक लोगे उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर आपका सर्विस नेटवर्क अच्छा है, अगर आपकी सर्विस अच्छी है ना, तो कोई भी बाइक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं GT की। तो GT के अंदर क्या मिलता है आपको इन दोनों बाइक से अलग, एक तो इसका जो टैंक का जो डिज़ाइन है ना, काफ़ी अच्छा कैफे रेसर टाइप का डिज़ाइन है। एंड इसके साथ एक माइनस पॉइंट क्या है कि इसका जो फ्यूल टैंक है ये केवल है 12.5 लीटर, यानी कि 12.5 लीटर के लगभग का इसका फ्यूल टैंक है। एंड अगर बात करें इसके टायर के बारे में, तो इसके मोस्टली जितने भी मॉडल्स आते हैं उन सभी में स्पोक व्हील आते हैं। कुछ एक मॉडल्स हैं इसके जिसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे। अब मेरे से अगर पर्सनली पूछे तो कैफे रेसर ना वैसे तो अच्छी लगती है स्पोक व्हील के साथ में, सच बताऊं, बट क्योंकि अगर कहीं पे बाइक पंचर हो जाती है ना, तो स्पोक व्हील के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको बाइक लेके वहीं खड़ी हो जाना होगा। उसके बाद तो भाई फिर पंचर लगवाने जाओ, वहाँ से लेके आओ या किसी मिस्त्री को बुलाओ, तो ये वाला सारा सीन चलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस ना बाकी दोनों बाइकों से सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 174 mm, और जो सीट हाइट है ना वो है इसकी 793 mm की सीट हाइट है। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। अभी जो न्यू मॉडल आ रहे हैं ना, उसमें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो क्लच के अंदर ये क्लच एडजस्टमेंट लीवर वगैरह सब कुछ इसमें आ रहे हैं फिटेड वगैरह। कुल मिलाकर यार बाइक अच्छी है, एकदम मस्त लगती है देखने में। इसके जो एग्जॉस्ट का जो स्टाइल है वो भी इस टाइप का है, हालांकि ये क्रोम वर्जन में है। अभी जो आ रही हैं उनमें कुछ ब्लैक भी आती हैं, इसमें आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं GT के अंदर। जैसे अगर आपको क्रोम फिनिश में नहीं लेने एग्जॉस्ट, तो इसके ब्लैक फिनिश में भी आ जाते हैं। तो ये बाइक मैं बोलूँगा उन लोगों को लेने के लिए जिनको स्पोर्ट्स टाइप की बाइक चलाने का शौक है। क्रूजिंग आप इस पर भी कर सकते हो नॉर्मल, और अगर आपकी बैक आपको सपोर्ट करती है, आपको लगता है कि मैं इस वाले पोस्चर में अच्छे से चला सकता हूँ बाइक को, तो आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल टैंक थोड़ा सा छोटा है, बस एक ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। बाकी इसके जो शॉकर हैं वो टेलीस्कोपिक हैं, और पीछे के तो नॉर्मली हैं जैसे कि होते ही हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी बाइक है, बट इसमें एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी वो लगी है ना, वो ये है कि इसका जो टेल लाइट है ये भी हैलोजन है, इंडिकेटर जो है ये भी हैलोजन है, टेल लाइट जो है ये भी हैलोजन ही है। और अगर इसके टायर के बारे में बात करें ना, तो इसका फ्रंट टायर जो है वो है 110/18 इंच में आता है, और इसका अगर पिछला टायर की आप बात करेंगे तो पिछला टायर उन दोनों बाइक से ही कम चौड़ाई है, और इसका पिछला टायर है 130 mm का, जो कि 18 इंच के स्पोक व्हील के साथ ही आता है। तो एक बार इसका साउंड भी सुन लेते हैं, GT कैसा साउंड करती है। तो ये है नॉर्मल साउंड GT का स्टार्ट होके। हालांकि मोस्टली लोग तो इसके एग्जॉस्ट चेंज ही कराते हैं। तो ये है इसका साउंड। ठीक है, साउंड के लिए तो सबको यह एग्जॉस्ट चेंज ही कराना है फाइनली। और इस बाइक का जो प्राइस है वो है एक्स शोरूम 3,19,000 रुपये से लेके 3,45,000 रुपये तक एक्स शोरूम। ये तो दिल्ली का है, एक्स शोरूम तो शायद कहीं भी अलग नहीं होता, एक्स शोरूम तो सबके सेम ही होते हैं। तो 3,19,000 रुपये से लेके 3,45,000 रुपये तक ये बाइक जाती है, अगर आप लेना चाहते हैं कॉन्टिनेंटल GT। सो अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड बाइक, जो कि है शॉटगन 650। और ये बाइक जो मेरे को लगता है ना पर्सनली रॉयल इनफील्ड का लॉन्च करने का जो कारण था ना, वो ये था कि 650 के अंदर ना या तो कॉन्टिनेंटल या फिर GT, ये दोनों बाइक्स आती थी, उसके बाद आई फिर एक क्रूजिंग मशीन। तो ये जो बाइक लॉन्च करने का मतलब था ना, वो ये था कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 350 सेगमेंट की जो क्लासिक बाइकें चलाते हैं ना लोग, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को उस तरह की आदत थी कि यार कुछ वैसी ही बॉडी के अंदर, वैसे ही फ्रेम के अंदर हमें एक 650 दमदार इंजन मिल जाए, तो ये लगभग कुछ वैसी ही बाइक है। अब अगर हालांकि इस बाइक के बारे में बात करें, तो ये बाइक लॉन्च होने के बाद बहुत ज़्यादा रोड पे नहीं दिखाई दी,
बहुत कम दिखाई देती है, उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता। हालांकि बाइक बहुत अच्छी है और इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट सारी ही खूबियां हैं जैसे कि अपनी सुपर मीटियोर 650 में है। और इस बाइक के अंदर ना हमें जो टैंक साइज है वो कॉन्टिनेंटल से थोड़ा बड़ा मिल जाता है। इसमें आपका फ्यूल टैंक का साइज है 13.8 लीटर। और इसकी अगर बात करें सीट हाइट की तो 794 इसकी mm हाइट है सीट हाइट, तो इजीली आप आराम से कोई भी इंसान बैठ सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट हाइट के लिए भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। हालांकि इन तीनों बाइक्स में अगर देखा जाए ना तो ग्राउंड क्लियरेंस GT का सबसे ज़्यादा है। तो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू इसलिए बड़ा बन जाता है जब आप इस बाइक को लेकर अगर लद्दाख या फिर नेपाल में जैसे लोअर मस्टैंग वगैरह हैं, यानी कि ऑफ रोडिंग अगर आप कहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि मुझे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम सुपर मीटियोर पे भी नहीं लगती, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर बात करें इसके डिजिटल मीटर की तो इसका जो मीटर है ना डिटो बिल्कुल सुपर मीटियोर 650 वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है और यहाँ ट्रिपल नेविगेशन वगैरह लगा हुआ है। हालांकि GT के अंदर ये ट्रिपल नेविगेशन नहीं आता। और अगर इसके बात करें हेडलाइट्स वगैरह की तो इसमें हेडलाइट जो है वो आपको LED मिल जाती है। हालांकि हेडलाइट तो अब तीनों चारों सभी बाइक्स में LED है। इंडिकेटर इसके भी जो हैं वो हैलोजन वाले ही हैं, अगर LED दे देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। और अगर टायर की बात करें तो इसमें अलॉय आते हैं सारे मॉडल में, चाहे कोई भी आप मॉडल ले लीजिए। इसका जो फ्रंट है वो अगर हम बात करें 100 90 18 इंच का है, इसका 118 इंच का टायर है विद अलॉय व्हील। और अगर बैक वाले टायर की बात करें तो बैक टायर जो है इसका लगभग 150 mm के आसपास ही है। इसके जो सस्पेंशन है ना फ्रंट सस्पेंशन जो है वो इसमें भी शोवा के मिल जाते हैं अपसाइड डाउन। तो कुल मिलाकर बाइक अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पीछे से इस बाइक को देखेंगे ना तो पीछे से ऑलमोस्ट सुपर मीटियोर जैसा ही लुक है इसका। यहाँ पे सेम वैसी ही टेल लाइट है, सेम वही इंडिकेटर है। बट इसका जो ये चीज़ है ना, यहाँ से अगर आप इसके ये देखोगे इस टाइप से एग्जॉस्ट, तो इसके एग्जॉस्ट जो है ना वो सुपर मीटियोर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ऐसे बाहर निकले हुए हैं। ये एक्चुअल में एग्जॉस्ट जो है ना GT और सुपर मीटियोर से बिल्कुल ही कम्प्लीटली अलग है। GT के जो एग्जॉस्ट हैं वो इस तरह से जा रहे हैं थोड़े अप में, और ये जो स्ट्रेट में है बट थोड़ा सा बाहर है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि GT के अंदर आपको जो भी सैडल बैग्स वगैरह लगाने होंगे ना वो ऐसी शेप में लगाने होंगे अगर आप टूरिंग करते हो, जिसकी वजह से वो जो सैडल बैग्स हैं आपके साइलेंसर से ना लगें। बट इसमें आप इजीली सैडल बैग वगैरह इजीली कैरी कर सकते हो क्योंकि वो आपके एग्जॉस्ट से काफ़ी दूर हैं। और इसमें एग्जॉस्ट का कोई ऑप्शन नहीं आता है कि आप उसे क्रोम ले सकते हैं या ऐसा ब्लैक मैट में ले सकते हैं, इसमें आता ही यही है। इसमें ये ब्लैक मैट में आपको मिलेगा। पीछे इसमें नॉर्मल शॉकर वगैरह हैं। चार्जिंग पॉट वगैरह का एक प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें भी वो यहीं पर है। यहाँ कोई ऐसा चार्जिंग पॉट नहीं है, वो 350 के अंदर चार्जिंग पॉट है। अगर कंपनी चाहे तो यहाँ पर एक चार्जिंग इस पॉकेट देके ना तो ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इस बाइक की बात करें ना तो इसके आगे आपको एक इस टाइप का ये काउल लगा हुआ आता है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में ना ये इस टाइप से एक काउल कंपनी फिटेड ही आता है। थोड़ी लुक इससे इनहेंस हो जाती है, अच्छा लगता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ना इसमें आपको विंडशील्ड वगैरह लगाने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। हालांकि इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आए जब आप चलाओ तो, क्योंकि आगे विंड स्क्रीन रहता है ना तो थोड़ा विंड ब्लास्ट वगैरह कम आता है। तो हज़ार्ड वगैरह सब कुछ इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा, तो ये कंपनी फिटेड ही आता है। तो ओवरऑल मिलाकर बाइक ठीक है, बढ़िया है। ये मैं बोलूँगा कि ये बाइक उनको लेनी चाहिए, अगर कोई पूछे कि ये बाइक किसको लेनी है तो ये बाइक उन लोगों को लेना चाहिए जो सुपर मीटियोर जैसी क्रूजिंग बाइक ना लेकर एक 650 इंजन के साथ ही डेली कम्यूनिट में अपने लिए एक बाइक लेना चाहते हैं जिसमें कि उनका पोस्चर भी ठीक रहे और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे पसीने इतने निकल रहे हैं भाई साहब, नॉन स्टॉप पसीने निकल रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे। तो ये बाइक जो है उन लोगों की पहली पसंद हो सकती है जिन लोगों को क्लासिक और स्टैंडर्ड जैसी बाइक्स पसंद है मगर एक हैवी इंजन के साथ। सो इसका भी एक बार आपको एग्जॉस्ट नॉट सुना देता हूँ कैसा है। इसमें थोड़ा बेस है, GT में थोड़ा खनखन खनखन था, इसमें स्टार्टिंग से ही ना थोड़ा बेस आ रहा है अगर आप सुन रहे होंगे। अच्छा है, अभी इसके एग्जॉस्ट को थोड़ा सा बेस करते हैं। तो मस्त है यार, इसका एग्जॉस्ट साउंड भी एकदम मस्त है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये दिल्ली के अंदर एक्स शोरूम जो है 360,000 रुपये से शुरू होकर 375,000 रुपये तक एक्स शोरूम इसका प्राइस जाता है।
अब बात करते हैं अपनी सबसे फेवरेट सुपर मीटियोर 650 बाइक की, जो कि एक लाजवाब क्रूजिंग मशीन है यार। क्या जबरदस्त ये बाइक चलती है 650 इंजन के साथ, जबरदस्त क्रूजिंग टाइप का। ये फर्स्ट वो बाइक है इंडियंस के लिए जो कि हार्ले डेविडसन को 100% कॉम्पिटिशन देती है लुक्स में। मैं लुक्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज और चीज़ों में नहीं यार, क्योंकि प्राइस भी उससे बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम। ये बहुत अच्छी खासी बाइक आपको मिल जाती है। इसका एक बड़ा सा यूज टैंक है। इन तीनों ही बाइक्स के अंदर सबसे बड़ा जो टैंक है वो इसी बाइक का है। इसका आपको टैंक मिलता है 15.9 लीटर, ऑलमोस्ट 16 लीटर का फ्यूल टैंक है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है बिकॉज ये क्रूजिंग मशीन है। 135 mm का सिर्फ इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है। और सीट हाइट की अगर बात करें तो इसकी सीट हाइट है 740 mm। इस बाइक का जो सबसे अच्छी बात है ना, वो है यार इसका राइडिंग पोस्चर। अगर आप लोगों को ना दिल्ली के अंदर बाइक बहुत कम चलाना ही है, हालांकि आप इसे चला सकते हो, अपना ना डेली कम्यूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेली ऑफिस से इसे घर ले जा सकते हो, बट इसका जो पोस्चर है ना, वो जब आपको असल फील तभी होगा जब आप इसे एक लॉन्ग राइड पर क्रूज करेंगे, वो फील तभी आएगा आपको इस बाइक का। और अगर बात करें इस बाइक के बारे में और, तो इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर जो है सोवा के सस्पेंशन मिल जाते हैं। हेडलाइट इसकी भी अब एलईडी के अंदर ही आती है, बट इसके जो इंडिकेटर हैं वो अभी भी इसके ना आते हैं हेलोजन में। हालांकि मैंने इसके जो इंडिकेटर है ना, अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें एलईडी इंडिकेटर लगा रखे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक हार्ले डेविडसन टाइप के इंडिकेटर लगा रखे हैं, जो कि दोनों जब रात को जलते हैं ना बहुत ही सुंदर लगते हैं यार, गजब लगते हैं एकदम। तो 650 सीसी के अंदर एक ज़बरदस्त बाइक है। और अगर आप इसका मीटर कंसोल देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है जैसा कि आप शॉटगन में देखेंगे। और ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम भी यहाँ लगा हुआ है, हालांकि बहुत कम ही लोग इसे यूज़ करते हैं। हजार्ड वगैरह सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ड ही आती है। टायर की अगर बात करें तो टायर इसका अगला जो टायर है वो है 110 का, शायद इसका टायर साइज थोड़ा सा शॉटगन से बड़ा है। इसका टायर है 190/19। और अगर बैक के टायर की बात करें तो ये है लगभग 150/150/80/16। तो बैक जो रियर टायर है ना, ये 16 इंच का है। और एसेसरीज वगैरह के पार्ट्स हैं ये सभी, जैसे कि बैक रेस्ट हो गया और लेग गार्ड वगैरह, ये सब हो गया। तो एसेसरीज पार्ट्स वो बहुत सारे हैं। और इसमें भी सेम वही एक चार्जिंग पॉट की कमी है यहाँ पर। अगर रॉयल इनफील्ड अब जो बाइक लॉन्च करे उसमें अगर यहीं पर चार्जिंग पॉट दे दे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा सभी लोगों के लिए। और अगर प्राइस की बात करें तो ये भी लगभग 3,64,000 रुपये से शुरू होकर 3,94,000 तक, यानी कि 3,94,000 तक एक्स शोरूम प्राइस इसका भी जाता है दिल्ली के अंदर। तो इस बाइक के बारे में अगर बताऊं कि ये बाइक किन लोगों को लेना चाहिए, तो ये बाइक उन लोगों को कंसीडर करनी चाहिए जिनको लॉन्ग टूर करने हैं, लॉन्ग ट्रिप करनी है, लंबा लंबा ज़बरदस्त हाईवे पे उन्हें क्रूज करना है इस मशीन को, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन बाइक रहेगी। अब हालांकि मैं इसके एग्जॉस्ट जो हैं चेंज हैं, ये मैंने KP रेसिंग के एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं, इसके जो रियल एग्जॉस्ट हैं वो मैंने हटवा दिए थे, मगर मैं फिर भी एक बार इसके साउंड सुना देता हूँ जो कि बड़ी ज़बरदस्त है भाई। साउंड सुन के ही आपका इस पे दिल आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। ये है बेस, दुक 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 दुक। मुझे नहीं पता है माइक में कैसा सुनाई दे रहा है, मगर इतना बेस है इसमें, दुप 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 दुप, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त एग्जॉस्ट साउंड है, KP रेसिंग के एग्जॉस्ट यार, माइंड ब्लोइंग है। तो ये थी हमारी कुल आज की वीडियो। अब जो लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि हम 650 कैटेगरी की कौन सी बाइक लें, तो मैंने तीनों के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक ठीक लगती है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। सभी का अपने अपने प्रोस्पेक्टिव होते हैं कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से आप लोग बाइक चूज़ कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय, हास्ता ला वीस्टा बेबी। Hand me a drink 'cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.